मेरे साथ बोलिए भारत माता की। भाई ऐसे नहीं, मैं जानता हूं देर हो गई है, मगर दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी तक आवाज पहुंचनी चाहिए। रायबरेली के अंदर भाजपा वाले इकट्ठा हुए हैं, मेरे साथ दोनों हाथ उठाकर प्रचंड आवाज से बोलिए भारत माता की। हमारे प्रदेश अध्यक्ष भाई महेंद्रनाथ पांडे जी, यूपी के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, और आज जिनके भाजपा प्रवेश के लिए एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, ऐसे भाई गणेश सिंह जी, दिनेश प्रताप सिंह जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष अवधेश सिंह जी, पंचवटी परिवार के सारे सदस्यगण, पंच सरपंच और आए हुए सभी कार्यकर्तागण, और उनके साथ मंच पर बैठे हुए पार्टी के सरकार के मंत्री, विधायक, पदाधिकारी और रायबरेली के प्यारे भाई और बहनों, मैं बहुत ज्यादा लंबा बोलना नहीं चाहता। रायबरेली ने आजादी से अब तक परिवारवाद देखा है, विकास नहीं देखा। मैं आज आपको आश्वस्त करने आया हूं, रायबरेली को परिवारवाद से भारतीय जनता पार्टी मुक्त करकर विकासवाद के रास्ते पर ले जाने के लिए आज से अभियान शुरू करने वाला हूं। मित्रों, कांग्रेस पार्टी ने 6-6, 7-7 दशकों तक कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने उत्तर प्रदेश और रायबरेली के अंदर शासन किया है, मगर मैं अभी योगी जी ने बताया ऐसे साथ में अमेठी में आया था, कलेक्टर ऑफिस का भूमि पूजन उस दिन हुआ, सीएचसी का भूमि पूजन उस दिन हुआ, पीएचसी का भूमि पूजन उस दिन हुआ, और योगी जी को मैं बताना चाहता हूं कि आज तक आपने रायबरेली के विकास के लिए काफी कुछ किया है, मगर गणेश सिंह जी, दिनेश प्रताप सिंह जी और ये सारे हमारे मित्र जुड़े हैं, हमारा दायित्व बन जाता है कि रायबरेली का विकास दो दुनी रात चौगुनी करने की जिम्मेदारी अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मित्रों, कांग्रेस पार्टी आज तक विकास के नाम पर शून्य के काम करती है। उत्तर प्रदेश के अंदर इतने सालों तक सपा बसपा कांग्रेस का शासन रहा, मगर एक महान प्रदेश जो आजादी के वक्त देश के बहुत विकसित प्रदेशों में शुमार हुआ करता था, आज पिछड़े प्रदेशों में गिने जाना लगा। उत्तर प्रदेश की जनता ने 2014 में भाई नरेंद्र मोदी जी को मैंडेट दिया और 80 में से 73 सीट देकर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का मौका दिया। उसके बाद नरेंद्र मोदी सरकार ने उत्तर प्रदेश के विकास के लिए पीछे मुड़ कर नहीं देखा। कांग्रेस के जमाने में उत्तर प्रदेश को 13वें वित्त आयोग में 3,30,000 करोड़ मिलता था, नरेंद्र मोदी सरकार ने 14वें वित्त आयोग में उत्तर प्रदेश को 3,30,000 करोड़ से बढ़ाकर 8,08,000 करोड़ रुपया देने का काम एक भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी। उत्तर प्रदेश के कई गांव ऐसे थे जो अंधेरे में जीते थे, रायबरेली जनपद के भी कई गांव ऐसे थे जो अंधेरे में जीते थे। भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने इसको बिजली देने की शुरुआत की, और उसके बाद 2017 में इस महान प्रदेश की महान जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर एक और दायित्व डाल दिया। उत्तर प्रदेश के अंदर
325 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाकर भारतीय जनता पार्टी को इस प्रदेश का विकास करने का जज्बा दिया और भारतीय जनता पार्टी के नेता योगी जी के नेतृत्व में एक पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। मित्रों, योगी जी की सरकार बनने के पहले पूरे देश भर में उत्तर प्रदेश गुंडे के लिए जाना जाता था, खराब कानून और व्यवस्था के लिए जाना जाता था। जैसे ही योगी जी की सरकार बनी, दूसरे ही दिन गुंडे पलायन होना शुरू हो गए। आज पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर कानून और व्यवस्था की स्थिति को सलामत करने का काम योगी आदित्यनाथ की सरकार ने किया। ये उत्तर प्रदेश का किसान 15 साल से अपने गेहूं, अपना धान, अपना गन्ना लेकर दर दर घूमता था। उसकी खरीदी नहीं होती थी, उसको समर्थन मूल्य नहीं मिलता था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी, नरेंद्र भाई के सहयोग से उत्तर प्रदेश के हर किसान का गेहूं, हर किसान का धान उत्तर प्रदेश सरकार ने समर्थन मूल्य से लेना शुरू किया और सीधा उनके बैंक अकाउंट में चेक पहुंचाने की बात योगी सरकार ने की। और मित्रों, इसके साथ साथ कर्ज माफी, इरिगेशन की व्यवस्थाओं को सुधारना, इसके साथ साथ अनेक प्रकार के काम यूपी सरकार ने हाथ में लिए। मित्रों, लगभग 1.25 लाख किलोमीटर सड़कों को गंदा मुक्त बनाने का काम योगी सरकार ने करा है। 21,000 करोड़ गन्ना किसानों का भुगतान करने का काम भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ने किया है। भारत सरकार ने एक बड़ा डिफेंस कॉरिडोर बनाकर यहाँ पर युवाओं को रोजगारी के लिए एक नया रास्ता खोला है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, उत्तरांचल एक्सप्रेसवे, कई सारी योजनाओं को योगी सरकार ने आगे बढ़ाया। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से सरकार चली है, केंद्र की सरकार चली है, देश भर में 3.25 करोड़ से ज्यादा माताओं को LPG गैस का सिलेंडर देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। 7 करोड़ से ज्यादा गरीबों को शौचालय अपने घर में देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। अब नई योजना लेके मोदी जी आए, देश के 10 करोड़ परिवार, देश के 50 करोड़ की जनसंख्या को 5 लाख तक का जो भी आरोग्य का खर्चा होगा, हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा होगा, वो पूरा का पूरा खर्चा भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार हर गरीब को देने के लिए इस बजट के अंदर नरेंद्र मोदी सरकार ने बयान किया है। और देश का किसान सालों से मांग करता था कि हम मेहनत करकर जो फसल पकाते हैं, उगाते हैं, हमारी फसलों का उचित दाम नहीं मिलता है। नरेंद्र मोदी सरकार ने तय किया है, फसल चाहे रबी हो, फसल चाहे खरीफ हो, हर फसल में भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार लागत मूल्य से 1.5 गुना समर्थन मूल्य किसानों को देने के लिए ये बजट के अंदर घोषणा कर रहा है। मित्रों, मैं जब रायबरेली की भूमि पर से बोलता हूं तब मैं आपको कहना चाहता हूं, इस भूमि ने कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं को सालों तक चुनकर भेजा, मगर रायबरेली का विकास नहीं हुआ। मैं चुनाव में जब घूमता था लोकसभा का, अमेठी भी घूमता था, रायबरेली भी घूमता था, मैंने देखा था कि लगता ही नहीं कि देश के बड़े बड़े नेता यहां से चुन कर गए। मगर मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, योगी सरकार भी से वोट लेने आए उसके पहले इस रायबरेली को हम एक आदर्श कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाकर आपके सामने रखने का प्रयास करेंगे। कांग्रेस ने आज तक विभाजन करने की, भागला करने की,
और यहां तक कि सबको गुमराह करने के लिए, अपने वोट बैंक को कंसोलिडेट करने के लिए टेररिज्म का, आतंकवाद का भी कलर तय किया। अभी कुछ दिन पहले हैदराबाद की एक अदालत ने मक्का मस्जिद बम ब्लास्ट के सारे आरोपियों को बरी कर दिया, असीम आनंद जी को बरी कर दिया। जब कांग्रेस की सरकार थी तब असीम आनंद जी समेत सब लोगों पर आरोप लगा था कि उन्होंने मक्का मस्जिद पर बम ब्लास्ट किया, आज अदालत ने बरी कर दिया। मैं रायबरेली की भूमि से राहुल बाबा को पूछना चाहता हूं, राहुल बाबा आपके गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने, पी चिदम्बरम ने, दिग्विजय सिंह ने, ये सारे लोगों ने भगवा आतंकवाद कर ये हिंदू संस्कृति को बदनाम करने का है घिनौना काम किया था। आज आपको समग्र देश के सामने माफी मांगनी चाहिए। मक्का मस्जिद के सारे आपके किए हुए गुण पर पानी अदालत ने सबको निर्देश छोड़ा। अदालत ने कहा है कि एक षड्यंत्र है किसी को बदनाम करने का। राहुल जी राजनीति में कितना नीचा जाइए इसकी सीमा तय कर लीजिए। अपनी वोट बैंक इकट्ठा करने के लिए इतनी पुरातन संस्कृति को, हिंदू संस्कृति को दुनिया भर में बदनाम करने का आपने काम किया है। चार दिन हो गए अभी भी कांग्रेस के नेता माफी नहीं मांगते हैं। मित्रों आप बताओ, आप रायबरेली वालों ने अनेक सालों तक कांग्रेस को यहां से जिताया है। हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद का गलत आरोप लगाने के लिए कांग्रेस ने माफी मांगनी चाहिए या नहीं मांगनी चाहिए? जरा जोर से बोलिए, मांगनी चाहिए या नहीं मांगनी चाहिए? मित्रों अगर वो नहीं मांगा, वो नहीं मांगेंगे, उनको अपनी वोट में दर्द जाने का डर सता रहा है। मगर देश की जनता, जहां जहां राहुल बाबा आप जाओगे, एक भगवा आतंकवाद पर माफी मांगने का सवाल आपसे पूछ लेंगे। आप ऐसा मत समझिए कि वोट बैंक की राजनीति कर आप साफ बचकर निकल जाओगे। इस देश में कानून का राज है, अदालतें हैं, संविधान है। किसी को गलत फंसाओगे तो कुछ ही समय में वो अदालत से निकल कर बाहर आ जाएगा। सत्य को कोई छिपा नहीं सकता, राहुल बाबा आप भी नहीं छिपा सकते। मित्रों योगी जी की सरकार ने समग्र उत्तर प्रदेश के 80 के 80 जिलों के लिए विकास का कार्यक्रम हाथ में लिया है। हर जनपद का एक उत्पाद, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट भी, अनेक प्रकार के काम हाथ में लिए। मगर मेरा योगी जी को इस मंच पर से आग्रह कि योगी जी यहां से देश के बड़े बड़े नेता चुनकर गए हैं, उन्होंने विकास किया नहीं किया हमने दिल में नहीं रखना चाहिए। हमने इस क्षेत्र ने बहुत समय तक सहा है, आज इतनी बड़ी मात्रा में सारे लोग भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। विकास रायबरेली का पहले भी करते थे, मगर आज से हमारा दायित्व बढ़ जाता है रायबरेली को एक मॉडल जिला बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी में प्रयास करना है। मित्रों अभी यहां 100 सर्किट हो गए, सारे मीडिया वाले उनके धुएं को दिखा रहे हैं, मगर कुछ अच्छा होने वाला होता है ना तो व्यवधान जरूर आता है, व्यवधान जरूर। और ये निशानी है कि रायबरेली में अब अच्छा होने जा रहा है, इसलिए छोटा सा व्यवधान आया था। इतनी बड़ी रैली जस्ट इतस रही 100 सर्किट होने के बाद भी, मैं सभी रायबरेली के वासियों का हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं। और आज मैं इस रायबरेली की भूमि से देश की जनता को कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने सरकार चलाई है, देश का गरीब, पिछड़ा, दलित, आदिवासी, ये सारा तबका भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा है। चाहे शहर हो, चाहे गांव हो, चाहे किसान हो, चाहे युवा हो, चाहे महिला हो, चाहे दलित,
भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हैं, मैं पूरे देश भर में भ्रमण करता हूं। रायबरेली वालों को मैं ये बताना चाहता हूं, मैं पूरे देश भर में भ्रमण करना चाहता हूं 2019 में इससे भी ज्यादा बहुमत के साथ नरेंद्र मोदी सरकार बनने वाली है, स्पष्ट दिखाई। अभी कर्नाटक में चुनाव है, मैं कर्नाटक से ही परसों आया हूं, वहां का मूड लेकर आया हूं मित्रों। मैं सारे भाजपा के कार्यकर्ताओं को कहना चाहता हूं कि 20 सरकारें देश में 20 सरकारें नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की चल रही है। जरा जोर से बोले कितनी चल रही है, एक बार फिर से बोले कितनी चल रही है। आप 15 मई की रात देखिए, 16 मई को 21वीं सरकार कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की बन गई है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो विकास की यात्रा चली है, विकास का दिव्य जनक जो निकला है, मुझे भरोसा है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने हम पर जो भरोसा किया है, 73 सीट और 325 सीटें कभी इस प्रदेश की जनता ने किसी पार्टी को नहीं दी थी, भोले शंकर की तरफ भारतीय जनता पार्टी को कृपा कर दी है। मैं आज उत्तर प्रदेश की सारी जनता को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि 5 साल बाद 4 साल बाद जब योगी आदित्यनाथ फिर से मैंडेट लेने के लिए आएंगे, ये उत्तर प्रदेश को देश का सर्वप्रथम राज्य बनाकर हम आपके सामने। बिजली बजट की शुरुआत हुई है, रोड अच्छे हो रहे हैं, महिलाओं की सुरक्षा बढ़ी है, किसानों की फसल खरीदी जा रही है, युवाओं को रोजगारी की दिशा में बहुत कदम उठाए जा रहे हैं, ये सब तो शुरुआत है। एक साल के अंदर उत्तर प्रदेश की दिशा बदलने का काम योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी जी ने किया है, मगर 5 साल समाप्त होते होते ये उत्तर प्रदेश को हम देश का नंबर एक राज्य बनाएंगे। और जो 7 साल तक सपा बसपा कांग्रेस उत्तर प्रदेश की जनता के लिए नहीं कर पाई, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार 5 साल के अंदर करके दिखाएगी, इसका मैं उत्तर प्रदेश की जनता को भरोसा दिलाना चाहता हूं। मित्रों, आज पंचवटी परिवार भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा, मैं हृदय से पंचवटी परिवार के सारे सदस्यों का और भाई दिनेश प्रताप सिंह का हृदय से स्वागत करता हूं। और मैं उनको कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी आपको मन से स्वीकार करती है, स्वागत करती है, और आपके साथ जो आए हैं सारे सदस्यों को सम्मानजनक रूप से भारतीय जनता पार्टी में स्थान देने का आश्वासन भी देते हैं। और मैं रायबरेली की जनता को भी कहना चाहता हूं कि दिनेश प्रताप सिंह ने जो रास्ता अख्तियार किया है वो सत्य का रास्ता है। मित्रों, रायबरेली की जनता भी भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़कर अगले चुनाव के अंदर मोदी जी के दिग्विजय रथ के साथ जुड़ जाए, यही बात करकर मैं मेरी बात को समाप्त करता हूं। मेरे साथ बोलिए, दोनों हाथ उठाकर मुट्ठी भींच कर प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद। हर खबर की लेंगे खबर मास्टर स्ट्रोक में रात 9 बजे। ये है एबीपी न्यूज़।
आपको रखे आगे।